जैसे कि आप जानते हो कि टास्क वन की 7 टाइप्स होती हैं और एक टाइप मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, वर्टिकल बार ग्राफ की। सो आज इस वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस करूंगी, वो है मैप। हम लोग टास्क वन का आज इस वीडियो में मैप डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ड आप यूज कर सकते हो मैप में और कौन सी फॉर्म लगती है, किस किस वे में आप जो लाइन है वो एलेबोरेट कर सकते हो, कैसे आप इसमें वेरिएशंस ला सकते हो और इसका क्या फॉर्मेट रहता है, सारा कुछ आप इस वीडियो में जो है वो देख पाओगे। और अगर आपने ये वीडियो देखा तो मुझे लगता है कि आप लोगों की मैप की रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है मैप में नहीं आएगी, क्योंकि मैप बहुत ईजी रहता है एलेबोरेट करना भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। एक बार ही अगर आपने जान लिया कौन से वर्ड यूज़ हो सकते हैं तो आप इजीली मैप को जो है वो एलेबोरेट कर सकते हो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो आज की हमारी मैप की स्टेटमेंट है वो है, द मैप बिलो शो द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज ऑफ रेमू बिटवीन 1995 एंड प्रेजेंट, राइट आर रिपोर्ट बेस्ड ऑन द मैप। यहाँ पे मैप में बताया गया है कि जो विलेज है एक रेमूत का, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में, किस टाइम पीरियड से लेके 1995 से लेके एंड प्रेजेंट ईयर। अगर आप देखें नीचे तो मैप जो गिवन है आपको, ये एक 1995 का है, मतलब एक पास्ट का है और एक प्रेजेंट का है। सो जो 1995 का है, यहाँ पे आपने जो भी सेंटेंस यूज़ करना है वो पास्ट का होगा और यहाँ पे प्रेजेंट का होगा। जो मैप में मेन चीज़ रहती है वो रहती है डायरेक्शंस की, जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। अगर नहीं लिखा हो तो पहले आप लोग अपनी नोटबुक पे चाहे अपने क्वेश्चन पेपर पे डायरेक्शन मार्क कीजिए। उसके बाद देखिए कि जैसे ये कॉर्नर पे फार्मलैंड है तो ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे फार्मलैंड है, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर पे ये यहाँ पे स्पेस जो है पानी की है। जैसे अगर हमने देखना हो तो साउथ में क्या है, सी है, फिश पोर्ट है वहाँ पे, और जो हाउसिंग है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। तो आपने डायरेक्शंस यूज करके मैप में जो है सारी एलिब्रेशन करनी होती है। कभी भी आप मैप में लेफ्ट राइट यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट वर्ड यूज़ करते हो तो ये आपका यहाँ पे मैप में बैंड डिडक्ट होने का कारण बनता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो, किस किस चीज़ के लिए। कोई चीज़ न्यू कंस्ट्रक्ट हुई है, किसी की पोजिशन चेंज हुई है, कोई सेम रही है, जहाँ कोई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो कौन से वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। जैसे चेंज हो कहीं पे तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड्स कन्वर्टेड इनटू, मॉडिफाइड इनटू, चेंज्ड इनटू, टर्न्ड इनटू, डेवलप्ड इनटू, रिप्लेस्ड बाय, ट्रांसफॉर्म्ड बाय। अगर कोई चीज़ बिल्कुल सेम रही है तो उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो अनब्लेमिश्ड, इंटैक्ट, अनटच्ड, अनचेंज्ड, अनअल्टर्ड। ये पांचों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर कोई चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से ही ख़त्म हो गई है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डिमोलिश्ड, रिमूव्ड, वैनिश्ड और डिसअपियर। मूव कोई चीज़ हुई है, कोई जगह हुई है तो उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो शिफ्टेड और मूव्ड। अगर साइज़ इंक्रीज हुआ है किसी प्लेस का, किसी एरिया का जो साइज़ बढ़ा है, तो आप यूज़ कर सकते हो एक्सटेंडेड, एक्सपेंडेड, वाइडन्ड, इंक्रीज्ड। अगर साइज़ कम हुआ तो आप यूज़ कर सकते हो रिड्यूस्ड, लेसन्ड, डिक्रीज। और अगर कोई चीज़ न्यू आई है, न्यू कंस्ट्रक्ट हुई, तो वर्ड यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्टर, इस्टेब्लिश्ड, बिल्ट, एडर्ड, इंट्रोड्यूस्ड, इंक्लूडेड। सो ये सारे वर्ड्स हैं जो आप मैप में यूज़ करते हो, इसके अलावा किसी भी वर्ड की और ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये चीज़ अपने माइंड में एक बार बिठा लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग इसके फॉर्मेट की, कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। सो जैसे ये मैप है तो इसका फॉर्मेट रहता है, पहले इंट्रो आती है, फिर BP1, देन BP2 और ओवरऑल आता है। इसमें कभी भी ओवरव्यू मत लिखिएगा, और जो ओवरऑल होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कहने का मतलब, अगर आपकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स जो है कंप्लीट हो गए हैं, देन आप ओवरऑल स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आप ओवरऑल लिख सकते हो, इसलिए इसको ऑप्शनल बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने इंट्रो के बाद ही ओवरऑल नहीं देना होता है, जहाँ ओवरव्यू नहीं देना होता, पहले BP1 BP2 करते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट पे ओवरऑल देते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश करके इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, द रेंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, रेंडर्ड मीन्स गिवन, रिप्रेजेंटेशन डिपिक्ट्स द रिफर्बिशमेंट, जहाँ आप लिख सकते हो री इम्प्रोवाइज्ड। अब इन दोनों का मतलब होता है जो चेंजेस आए हैं, अल्ट्रेशंस आई हैं इन अ पर्टिकुलर विलेज ऑफ रेमूथ बिटवीन 1995 एंड प्रेजेंट। एक पर्टिकुलर विलेज में
किस टाइम पीरियड में 1995 और प्रेजेंट में, ऐसे करके आप इसकी इंट्रो लिख सकते हो। अब बात करते हैं इसके बीपी वन की। जब भी आपने बीपी वन स्टार्ट करना है तो इनिशिएटर मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में करवाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे है तो आप टास्क वन की वो ब्रीफली वीडियो देख सकते हो ताकि आपको पता चल सके फॉर्मेट कैसे अप्लाई करना होता है। तो स्टार्ट कर सकते हो टू इम्बार्क ऑन इन 1995 फार्मलैंड एंड फॉरेस्ट पार्क वर सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर विच वॉज डिमोलिश्ड एंड गोल्फ एंड टेनिस कोर्ट आर कंस्ट्रक्टेड इन करंट टाइम पीरियड। कि जो फार्मलैंड और फॉरेस्ट पार्क था वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में था जो पूरी तरह से खत्म हो गया और वहां पे एक गोल्फ और टेनिस कोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है करंट टाइम पीरियड में। अब मैप पे जाके देखते हैं कि ऐसा है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ये वाला, तो यहाँ पे फार्मलैंड और फॉरेस्ट पार्क था जो बाद में वहां पे गोल्फ और एक टेनिस कोर्ट बन गया। अब बात करते हैं, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हाउसेस जो हैं ये है पूरे 10, तो यहाँ पे कितने थे 8, तो नंबर यहाँ पे जो 4 थे पहले तो बाद में 6 हो गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाउस जो थे वो भी बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे इनका नंबर इंक्रीज हुआ। हाउसिंग को आप रेजिडेंशियल एरिया बोल सकते हो। अब इस लाइन को आप कैसे बना सकते हो वो अभी आपको बताती हूँ। एक बात और पहले बता दूं कि जैसे ये मैंने यहाँ तक जो है ऊपर वाला हिस्सा मैंने बीपी वन में जो है कंपैरिजन के साथ किया है देन बीपी टू। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप लोग ये सोचो कि 1995 में एक में डाटा दे दो और जो प्रेजेंट का है वो एक में, ऐसा मत कीजिएगा। हमेशा ही कोशिश करें कंपैरिजन करके ही अपनी लाइंस बनाएं। कंपैरिजन करके आप बहुत अच्छे बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो, क्योंकि कंपेयर करोगे देन एग्जामिनर के लिए भी ईजी रहता है कि वो समझ सके कि आप बात क्या कर रहे हो। अगर आप 1995 का एक में लिख दोगे, प्रेजेंट का एक में लिख दोगे, तो वो इतना क्लियरली पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ वहाँ पे थी अब नहीं है, या कौन सी चीज़ जो थी वो अभी उसका एरिया वाइडन हुआ है या लेसन हुआ है। तो हमेशा ही कंपैरिजन करके करें। जैसे हमने अभी इन दोनों का कंपैरिजन किया, अब हम हाउसिंग की बात करेंगे दोनों ईयर्स में कैसा था। आफ्टर दैट जो नीचे वाला पार्ट है ये हम बीपी टू में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। मोर ओवर नंबर ऑफ रेजिडेंशियल एरिया हैज़ बीन मशरूम्ड फ्रॉम 1995 टू प्रेजेंट ईयर। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाउसिंग को हम लोग रेजिडेंशियल एरिया बोल सकते हैं, तो उसका नंबर इंक्रीज हुआ है। हम लोगों ने लिखा हैज़ बीन मशरूम्ड, मतलब मशरूम का मतलब होता है बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है। कब से लेके कब तक? फ्रॉम 1995 से लेके अभी प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है, तो अभी इसका नंबर जो है वो बढ़ गया है। ये था हमारा बीपी वन। अब बात करते हैं हमारे बीपी टू की। पहले अभी बात कर लेते हैं कि चेंजेस कौन से आए हैं ताकि आपको आसान हो जो भी मैं लाइंस बनाऊं। अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे शॉप्स थी जो बाद में रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है। फिश मार्केट वो भी रिप्लेस हो गया अपार्टमेंट के साथ। कैफे और होटल की पोजीशन वहीं पे रही है, बस ईस्ट साइड मतलब होटल के ईस्ट साइड में एक कार पार्क न्यू बिल्ड हो गया है। जो सी था अब भी साउथ में है, पहले भी साउथ में था, बस एक चीज वहां से खत्म हो गई है। पहले सी में एक फिशिंग पोर्ट था, अब वो नहीं रहा है। यही बात हम लोगों ने जो है वो अपने बीपी टू में बतानी है। प्रॉबिंग अहेड, ये हम लोग बीपी टू के लिए जो हमारा इनिशिएटर है उसको यूज करते हैं। शॉप्स एंड फिश मार्केट वर बिल्ट इन साउथ वेस्ट विच आर रिप्लेस्ड बाय द रेस्टोरेंट एंड अपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली। जो शॉप्स और फिश मार्केट था वो बिल्ट हुआ था साउथ वेस्ट में, जो रिप्लेस हो गया रेस्टोरेंट और अपार्टमेंट के साथ रिस्पेक्टिवली। अगर रिस्पेक्टिवली वाली टाइप लगाई इट मीन्स शॉप्स रिप्लेस हुई है रेस्टोरेंट के साथ, फिश मार्केट जो है वो रिप्लेस हुआ है अपार्टमेंट के साथ। आफ्टरवर्ड्स नो मॉडिफिकेशन आर विटनेस्ड इन द लोकेशन ऑफ होटल एंड कैफे। होटल और कैफे के लोकेशन में कोई भी जो मॉडिफिकेशन है या चेंजेस हैं वो नहीं देखे गए हैं। अ कार पार्क इज कंस्ट्रक्टेड बिसाइड द होटल टूवर्ड ईस्ट। एक न्यू कार पार्क जो है वो कंस्ट्रक्ट तो हुई है, कहाँ पे? होटल के बिसाइड में। बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल पास में। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर तो ये वाला बिसाइड है इट मीन्स कि बिल्कुल पास में, अगर इसके साथ एस लग जाता है तो वो वाला बिसाइड बनता है जो जिसका मतलब होता है इसके अलावा। बिसाइड्स का और बिसाइड का जो डिफरेंस है इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, इसके साथ सारी लाइन चेंज हो जाती है। तो होटल के बिसाइड में टूवर्ड ईस्ट जो था एक न्यू कार पार्क बिल्ट हो गया था। बिसाइड्स दिस, अब ये देखिए मैंने बोला बिसाइड्स दिस, इसके अलावा क्या हुआ? अ फिशिंग पोर्ट वॉज सीन इन द सी टूवर्ड साउथ।
फिशिंग पोर्ट जो था वो देखा गया था सी में किस तरफ पे, ईस्ट की तरफ पे, विच इज वैनिश्ड नाउ। वैनिश्ड की जगह पे आप डिमोलिश्ड भी लिख सकते हो, जो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। सो ऐसे करके आप बीपी टू में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रीफली बता सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओवरऑल है वो ऑप्शनल होता है, कभी भी ओवरऑल में इन एन ओवरव्यू मत लिखेगा, हमेशा ओवरऑल लिख के कॉमा डाल के आप ये लिख सकते हो, इट इज़ विविडली सीन दैट इन द प्रेजेंट ईयर, ये देखा गया है क्लियरली कि प्रेजेंट ईयर में ह्यूज अल्ट्रेशन आर सीन इन द विलेज ऑफ रेमूथ, बहुत सारी अल्ट्रेशन मतलब चेंजेस देखने को मिले हैं रेमूथ के एक विलेज में। सो ऐसे करके आप अपना ओवरऑल लिख सकते हो, ये ऑप्शनल होता है, बार बार इसलिए बता रही हूँ। तो ऐसा ही आप किसी के लिए भी मैप के लिए लिख सकते हो, जैसे क्योंकि चेंजेस तो आते ही आते हैं, जो भी चीज़ होगी इट इज़ विविडली सीन दैट इन द प्रेजेंट ईयर, जहाँ कोई भी ईयर मेंशन होगा, ह्यूज अल्ट्रेशन आर सीन इन द, जहाँ पे भी वो अल्ट्रेशन देखी जा रही होंगी उसका नेम लिख दीजिएगा। सो ऐसा करके आप सेम ही लिख सकते हो। उसके अलावा एक और भी ओवरऑल लिखते हैं किसी किसी मैप में, वो भी मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो मैप के बनाऊंगी उसमें ब्रीफली आपको बता दूंगी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सो ये था हमारा आज का मैप जो पास्ट और प्रेजेंट का था। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ होंगी जिसमें मैप के बारे में बात करूंगी, वो हम लोग हो सकता है दोनों पास्ट की बात करें, जहाँ पास्ट और फ्यूचर की, जब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, तो वो भी आपको बताऊंगी कौन सा टेंस कैसे वर्ड्स उसमें यूज़ कर सकते हो। होप है कि आपको ब्रीफली ये मैप समझ आ गया होगा। ऐसे ही करके आप मैप को जो है वो एलेबोरेट कर सकते हो, बहुत आसान होता है। तो इस बात का एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर्म यूज़ करनी है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाए, रेदर देन कि आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करो। जैसे मैंने जितने भी आपको वर्ड्स बताए थे वहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर, अनब्लेमिश्ड, इंटैक्ट, अनचेंज्ड ऐसे वर्ड्स बताए, तो सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। तो हमेशा ही मैप में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाज वर्ब पास्ट में लग रहा है, फ्यूचर में वुड लग रहा है, और प्रेजेंट में अगर लग रहा है आर इज, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके साथ कोशिश करो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हैव अ नाइस डे।